तो आज हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं मिस्टर चटर्जी के साथ। वन टू वन क्लास है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा बैच में। तो बैच को स्टार्ट करने पड़े से पहले, अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इनकी एक प्रॉब्लम है, हम चलिए उन प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ये इतने जो आपके स्कोर है, इस स्कोर को आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं, अगर आपकी इन सबों की कंडीशंस इसके अकॉर्डिंग हुई तो, मतलब ये जो परसेंटेज है, ये जो ये पूरा चीज है इसके अकॉर्डिंग हुआ तो राइट। तो इसके लिए क्या सारे कंडीशन रिक्वायर्ड है? ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एंड का फॉर्मूला लगाएगा। देखिए क्या है कि एक दो कंडीशन हो, जैसे आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या है, ग्रेटर देन 50 है तो आप डायरेक्टली अपना सैंपल लगा सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं कि ई 15 ग्रेटर देन 16, तो रिजल्ट ट्रू है फॉल्स में आ जाएगा, समझ गया। लेकिन क्या है कि मेरे पास कई सारे कंडीशंस हैं और सारे वो कंडीशन चेक करके फिर रिजल्ट ट्रू चाहिए ताकि ट्रू को कन्वर्ट कर सके हम अपने रिजल्ट में। ओके, मेथड समझे कि नहीं सर? नहीं, क्लियर नहीं हुआ, क्या बोल रहे हैं? सर बोल रहे हैं कि जैसे कि आपको कोई एक कंडीशन मैच करना होगा तो आप डायरेक्टली लॉजिक लगा सकते हैं इस तरह से, ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे मैंने बोल दिया कि क्या 50 है। हाँ, मतलब यहाँ पे वैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लॉजिक एक साथ हाँ, है, तो बहुत सारा इसलिए आप लॉजिक हैंड कॉमन है, यूज कर रहे हैं। हाँ बहुत सारा लॉजिक है, लेकिन लॉजिक जो है आपका रिक्वायर्ड है इसलिए, क्योंकि एक ट्रू एंड फॉल्स जो रिजल्ट, मैंने पहले सारे कंडीशन को चेक करेंगे, अगर सारा कंडीशन फुलफिल है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, जैसे कि यहां एक कंडीशन को चेक करने पे आया है। ऐसे वन बाय वन पांच छह कंडीशन जो भी आपकी कंडीशन से उसको चेक करेंगे, सारे कंडीशन फुलफिल हुए तो रिजल्ट आएगा ट्रू, बाद में हम उस ट्रू को कन्वर्ट करेंगे अपने स्कोर पर, राइट सर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जो हमारा स्कोर है ये स्कोर अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इसके कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे कि एक सिंपल तरीका हमारा है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा डेटा सुधारना होगा, राइट। जैसे कि यहां पे हमने दे दिया और ये सारे कंडीशंस हम दे दिए और फिर इसको दे दिया, अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो यहां पे हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, नहीं यहां पे फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं, क्योंकि इसमें आपका ये है ना, ग्रेटर देन 70 लेस देन 80 से बिटवीन है, बिटवीन नहीं होता तो एक सिंपल फॉर्मूला लग सकता था, लेकिन नहीं, ये मेथड आपका नहीं लगेगा। तो इस पे आपको एक ही कैलकुलेशंस के लिए मैनुअल चीजें लिखनी पड़ेगी सर, जैसे कि इक्वल हम देंगे यहाँ पे एंड में हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड बोलेंगे कि ए क्या लेस देन इक्वल टू 44% है, फिर सेलेक्ट करेंगे ईएस को बोलेंगे क्या ए इक्वल टू एमईटी मेट 3 है, फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे एनएन को और लिखेंगे क्या एनएन लेस देन ग्रेटर देन है, 1 मिनट, ये भी ग्रेटर देन है ना सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 44, और इसको सेलेक्ट करके बोलेंगे क्या ये लेस देन इक्वल टू 80 है, नहीं ये भी ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है सॉरी, थोड़ा सा 80%। फिर यहां पे कंडीशन देंगे ए इक्वल टू 0 होना चाहिए और फिर L5 को सिलेक्ट किया और ए होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 85%,
ए हमने इसको सेलेक्ट किया, ए इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो रिजल्ट आपके सामने आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? 44, ये लेटर 44 है, मेट अच्छा मैं यहाँ पे स्पेस है ना, हाँ अभी फॉल्स आया स्पेस। ओ ए आपका एन एन जो है आपका लेस देन ग्रेटर देन 36 है, इस कारण से इसमें हम 95 करेंगे, नहीं तो भी नहीं है। और स्लॉट ओ टी जीरो है, शिफ्ट ए आपका यहाँ पे हमारा के हो गया है, यहाँ पे एल होना चाहिए था, यही तो है एल, हाँ एल यहाँ भी एल होना चाहिए। रिजल्ट ट्रू आया। अब यहाँ पे कंडीशन लगे कि एफ अगर ए ट्रू है तो आना चाहिए हमारा 5, अदरवाइज यहां पे अदरवाइज फिर एक कंडीशन लगेगा। ठीक है सर, तो यहां पे आ गया 5 स्कोर आ जाएगा। अब जैसे हमने इसके लिए कंडीशन किया है ना सर, इसी तरह से ऐसी कंडीशन आपकी 5 के लिए करने, ये सब के लिए करने पड़ेगी, समझे? हेलो, जैसे कि एक और बता देता हूँ मैं आपको, ए यहाँ पे कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर हम यहाँ पे कंडीशन देंगे इक्वल। अब इसमें हमारा दूसरा कंडीशन है 4 के लिए, 4 के लिए कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर देन 42.50 और लेस देन, अच्छा माइनस में है ना, नहीं सॉरी लेस देन 44, मतलब कि 42.5 से 44 के बीच में होना चाहिए, राइट सर? तो यहाँ पे हम कंडीशन चेंज करेंगे कि भाई 42.50 और फिर वापस इसमें कंडीशन देंगे ए लेस देन इक्वल टू 44%।
आप जीरो की जगह पे हम इसको पूरा उठाते हैं दोबारा से एंड को, इस देते वापस हम यहाँ पे इसको लेते हैं और देते हैं कि भाई l इक्वल टू 44 लेस देन इक्वल टू 44 हेलो हेलो क्या हो गया था सर 72 नहीं इधर तो मतलब समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो सही था नेटवर्क चला गया मेरे को लग रहा है आपके तरफ से। नहीं आपके तरफ से गया था, मैं तो तब से ऑनलाइन हूँ, आप लॉग आउट हुए थे ना सर, नेटवर्क मैं जाता तो मैं लॉग आउट होता ना, मैं तो कंटिन्यू हूँ सर। हेलो सर आपके तरफ से इंटरनेट गया था, यहाँ पे तो एक बार लॉग आउट हो रहा है एक बार लॉग इन हो रहा है ऐसे हो रहा है। हाँ तो आपका इंटरनेट, अगर आपका इंटरनेट अगर कट जाए या फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाए तो लॉग आउट हो जाता है। तो सेम है कि मेरा स्पीड अगर होता तो मैं लॉग आउट होता ना सर, मैं तो लॉग इन था। तो देखिए यहाँ पे देखिए हमने एक कंडीशन को मैच किया था एंड फॉर्मूला में, आपके सारे कंडीशन हमने यहाँ पर रखे हुए दिख रहा है सर आपको, इसमें हमने आपने सारे कंडीशन दे दिया, जैसे कि L2 मतलब कि यहाँ ये जो है ना सर इसको दिया हमने, तो L2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 44 है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, L2 इसलिए दिया क्योंकि C सेट उसी पर है। फिर हमने बोला L3 इक्वल टू अगर मेट 3, अब यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे आपका मेट 3 स्पेस है और स्पेस नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आपको स्पेस देना है तो स्पेस ही दीजिए, नहीं देना है तो स्पेस मत दीजिए, ये एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका एल, ये मेट थ्री में क्या मतलब स्पेस देना है नहीं देना है सर, अब देखिए यहाँ पे आपने स्पेस दिया हुआ है, आपने कंडीशन में स्पेस नहीं है तो आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी स्पेस दे दिया है राइट, अच्छा हाँ आपको स्पेस देना है, नहीं देना तो यहाँ से स्पेस डिलीट कर दीजिएगा, तब यहाँ भी स्पेस डिलीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा L2 is greater than 14 to 80 आ गया, L15 equal to 0 क्योंकि यहाँ 0 है तो आपका यहाँ, और L16 greater than 85 और L17 आपका 0 है, तो ये पूरा क्राइटेरिया आपका मैच हो गया। अब इफ कंडीशन लगा दिया कि अगर ट्रू है तो 5 आए, तो ये आपकी एक जो प्लेटिनम है वो प्लेटिनम के क्राइटेरिया को मैच किया है राइट सर, राइट राइट। ऐसे आपको सिल्वर गोल्ड डायमंड के लिए करना पड़ेगा, तो मैं एक और करके दिखा देता हूँ बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगाया और इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, क्योंकि एक और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी क्राइटेरिया में ये देखिए बिटवीन है, तो बिटवीन डालना सीख लीजिए कि बिटवीन कैसे डालेंगे। ये आपका ये पहले कंडीशन है कि आपका जो सी सेट है वो होना चाहिए 42.5 से 44, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे 42.50 ले लूंगा और फिर वापस एक बार और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि दो कंडीशंस है, और लेस देन इक्वल टू करेंगे 44। अब यहाँ पे आपका लेस देन 44 है तो इक्वल टू नहीं रखना है, तो यहाँ से इक्वल टू हटा दीजिएगा, ठीक है सर। तो नहीं समझ रहा हूँ मतलब, दो बार लिखना पड़ेगा। ओके आप लेस देन रखते हैं तो 44 आने पे नहीं होगा 40, क्योंकि ऊपर आपने लेस देन इक्वल टू किया हुआ तो लेस देन ही होगा सर। उसके बाद तीसरी क्राइटेरिया में मेट 2 होना चाहिए, तो यहां दीजिए स्पेस का जैसे समझाया तो यहां भी लागू होगा आप। इसके बाद NN आपका 70 to 80 है, तो यहां पे देखिए इज द ग्रेटर देन 80 है, तो ये बहुत बड़ा फार्मूला हो जा रहा है। आपके पास कितने कंडीशंस है वो देखिए ना, जितने कंडीशन उतने लगेंगे ना, आप समझ रहे हैं ना, आपके पास आप कितने कंडीशन लगा रहे हैं, 1 2 ये आपका 5 है और 6, सिर्फ 30 कंडीशन लगा रहे हैं, 30 कंडीशन तो लगाना पड़ेगा ना सर आपको, आपके पास 30 कंडीशन है सर, तो 30 कंडीशन सिस्टम को देना पड़ेगा ना,
वीवीए से इसको सॉल्व हो सकता है, बट वीवीए में भी कोडिंग तो करनी पड़ेगी, ये सारे कंडीशन था। वीवीए के बाद यूज करने वाले को दिक्कत नहीं होगी, बट जो प्रोग्राम लिखेगा वो तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। मना है सर? हेलो, हेलो हेलो। सर, आपका नेट लग रहा है स्लो चल रहा है, बार बार आपका इशू हो रहा है सर। अभी भी आप फिर ऑफलाइन चलेगा? तो मैं बोल रहा था सर कि आप 30 कंडीशन दे रहे हैं सर, तो 30 कंडीशन एक्सेल को बताना पड़ेगा ना। एक्सेल में सर मैं कंडीशन क्या है पूछ रहा हूँ, ये क्या मैक्रो में नहीं हो सकता? सर? मैक्रो में भी हो सकता है, लेकिन मैक्रो में तो सारे कंडीशन लिखने ही होंगे ना, जैसे यहां लिखना है जैसे मैक्रो में लिखना पड़ेगा। अच्छा। तो मैक्रो में कोडिंग करने वाले, कोडिंग जो करेगा उसके लिए तो आपको ये है लिखना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बनाना तो आप ही को है। अगर मैक्रो में बताऊंगा तो पूरी कोडिंग मुझे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैक्रो तो आती नहीं है। हाँ, मतलब मैं समझने का कोशिश कर रहा तो हूँ, वही पहले मत। आप इसको मैनुअल करें, जब मैनुअल इसको यूज करना सीख जाएंगे, फिर इसको और सिंपलाइज किया जाएगा, फिर इसको और सिंपलाइज और फिर ये मिला सिंपलाइज किया जाएगा। अच्छा। कंडीशंस तो सारे डालने पड़ेंगे, सिंपलाई हो सकता है ताकि अप्लाई करने वाले को दिक्कत ना हो, बट कंडीशन तो सारे कहीं ना कहीं डालने पड़ेंगे। बताइए, यहाँ पे जो मेट हम लोग कर रहे हैं, हेलो, हाँ, मेट जो कर रहे हैं, इसमें भी एक है, मतलब इसमें भी ना एक टारगेट है, जो जैसे कि आपका बिजी है, बिजी परसेंटेज है लेस देन 11%, डिस्पोजिशन लेस देन 90%, एएसटी लेस देन 19 मिनट्स, ये भी तो मतलब ये क्राइटेरिया में घुसाना पड़ेगा। हाँ, सारा पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया देना है देना ही पड़ेगा। पता एक्सेल कैसे समझेगा? एक्सेल जैसे मशीन, जब तक आप बताओगे नहीं तब तो कैसे चेक करेगा वो? अभी आपके पास 30 अच्छा, कंडीशंस है, 30 कंडीशंस आपको देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बिटवीन के लिए बताया, यहाँ पे भी कहाँ पे थे हम? हाँ, यहाँ पे मीट L2 हो गया, इसके बाद आपका L14 ग्रेटर देन 80% था, 80% के जगह पे 70 हो जाएगा, इक्वल टू 70। बोल रहे हो कि मतलब ऐसे पूरा फॉर्मूला डालना पड़ेगा, राइट? हाँ, बिना डाले कैसे? डालना अच्छा तो पड़ेगा ना सर। अच्छा अच्छा हम इसको ऐसे डाल देंगे तो उसके डाल बाद देने से यहाँ मेरा पे जो भी, स्कोर। यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो चला जाएगा। हाँ, मैं वो पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब मैं तो वो डाल दूंगा, डालने के बाद लास्ट में कुछ करना पड़ता है? नहीं, मतलब नहीं, फॉर्मूला फॉर्मूला यही है। यही रहेगा सर। अच्छा, लेकिन ये मेट इज इक्वल टू जो मेट थ्री कर रहे हैं, ये L13 इज इक्वल टू जो मेट थ्री कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं L13 इज इक्वल टू मेट टू, ये जो हम कर रहे हैं। क्योंकि आपने कंडीशन यहाँ दिया है ना कि 4 उसको मिलेगा जो कि सी सेट में 42, 42.5 44 के बीच में होगा, ये उसका मेट 2 होगा, यहाँ पे दिया हुआ है ना सर, राइट। इसलिए मैं मेट 2 डाला। और जिसमें ब्लैंक है उसमें क्या करेंगे? 0 डालना होगा, जैसे यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे ये हमने डाल दिया NN इक्वल टू 75 to 80 है, तो मैंने यहाँ पे डाल, यहाँ पे हमने L80 है, हाँ यहाँ पे हमने डाल दिया ना भाई, L14 70% से ऊपर हो और 80% के नीचे हो, डाल दिया। अब उसका हाँ, आता है, ये आता है जो कि यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक है ना अब ब्लैंक आता है, ब्लैंक नहीं L15, है। हाँ L15 है ना आपका, आपका जो L15 है, L15 है रहा ना आपका, हाँ L15 में हमारा क्या है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब L15 मतलब ये वाला कर रहे हैं आप? हाँ मतलब अभी जो, अभी देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये आपका L12 है, 12 से आपका स्टार्ट है ना सी सेट, उसके बाद है
L2 है, उसके बाद L13 जिसमें आपका यह है ES, L14 जिसमें आपका है NN, L15 जिसमें आपका 0 है, ये स्वैप OT, राइट। उसके बाद आपका L16 है जो कि है आपका Shift 8। ए Shift 8 में आपका क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 85 से 80 से 85 के बीच में होना चाहिए, तो आपको देना है 80%, और फिर वापस इसमें हमें देना है L16 लेस देन इक्वल टू 85। और फिर आपका C इक्वल टू 0 है तो 0 से हो, ब्लैंक और 0 एक ही होता है, ठीक है। L16, ये C जो है आपका, ये मैं आपने हाँ वो एल बताया सिक्सटीन ना, तो ब्लैंक और 0 एक ही एक्सर समझता है, ऐसा हो अच्छा तो अच्छा 4 आया, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब चलिए अब इसको कंडीशन मैच करते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया 43%, राइट, और यहाँ पे हमने डाल दिया मेट 2, यहाँ पे NN जो आपका था वो हमने 76% डाल दिया, स्वैप 0 ही रहेगा, शिफ्ट ए आपका 82% डाल दिया, थोड़ा गया सर। नहीं 4 पॉइंट कितना आ रहा है एक बार देखिएगा। यहाँ पे 4 आ रहा है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार वो इसमें कीजिएगा, इसमें डेसिमल डेसिमल में कीजिएगा। इसको क्या इसको 42 हुआ। नहीं, जो फोर फोर जो आ रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे जो 4 आ रहा है ना 4, अच्छा इसको 43 नहीं करके इसको एक बार 47 कीजिएगा। अगर मैं 47 कर दूंगा तो 0 आएगा, या कुछ 0 की जगह जो देना चाहते हो वो आएगा। नहीं 47 करने से 0 क्यों आ रहा है सर? आप एक मिनट, आपका कंडीशन क्या है कि सी सेट होना चाहिए 42 पॉइंट से 44 के बीच में, तब वो 4 आएगा। सारा कंडीशन चेक करेगा ना सो, सिर्फ इसको चेक कर लिया बाकी सब वही रहेगा तो कैसे होगा फिर। नहीं, मतलब समझ नहीं पा रहे आप, मैं आप बोल देखिए देखिए, ये पूरा कंडीशन, ये जब पूरा है इसमें इसके अकॉर्डिंग होगा तभी रिजल्ट देगा, कोई भी गड़बड़ हुआ तो रिजल्ट नहीं देगा। हूं। नहीं तो एक बंदा, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब एक बंदा पकड़ लीजिए कि सी सेट में है 44, फिर आपका ईएस में है मेट 2, फिर आपका एन एन में है ग्रेटर देन 80, तो सर फिर एक हो गया। एक मिनट, आप कंडीशन बोल रहे हैं कि एंड में होगा तो फिर कैसे आओ, किसी है किसी में घुसा दीजिएगा थोड़ी फिर रिजल्ट देगा आपको, फिर कैसे रिजल्ट समझेगा वो, सिस्टम क्या समझ। नहीं सो माय तो माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, मेरा क्वेश्चन ये है कि सब में तो फॉर एग्जांपल किसी का आपका पकड़ लीजिए स्कोर है ग्रेटर देन 44%, ग्रेटर देन इक्वल टू 44%, हाँ और किसी का ईएस है मेट 1 और किसी का एनएन है पकड़ लीजिए 75 to 80, शिफ्ट ए है आपका ग्रेटर देन मतलब गोल्ड पे आ रहा है, मतलब 3 पे आ रहा है, मतलब ये सब मार्च करके एक नंबर यहाँ पे आएगा। नहीं वो बोल रहा हूँ, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक लाइन का बात कर रहे हैं आप, ग्रेटर देन फोर्टी हाँ, फोर जैसे वो कि सब ये मैच सारे होना में चाहिए। जो सिस्टम तो ये समझेगा ना, आप सिस्टम के अकॉर्डिंग में सोच रहा हूँ ना, सिस्टम अगर देखा कि भाई यहाँ पे रिजल्ट 5 हमें तभी कंडीशन को मैच हो, मैं बोल रहा हूँ कि में अभी पेपर देखिए एक होगा तो बात रिजल्ट बता रहा नहीं हूँ। देगा। नहीं मेरा आपसे जो जानना है हाँ वो ये है कि आपका पकड़ लीजिए एक 44 में है देखिए सुनिए, एक एक सिंपल सी बात बंदा। समझ जाइए कि अगर कोई स्कोर इस कंडीशन से ऊपर नीचे या फिर थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये एक्चुअल जैसे यहाँ सेम नहीं इस होगा तभी आपका रिजल्ट देगा। नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पकड़ लीजिए कि किसी का सी सेट में ग्रेटर देन 44 है, ठीक है हाँ सर, जो मतलब सी वो सेट में अगर 44 मैंने 45% हो गया और मेट 2 है तो नहीं आएगा, मेट 3 होना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मेट 2 होने से भी नंबर आना चाहिए, मैं वैसे मांग रहा मेट हूँ। 2 से कैसे क्या नंबर आएगा बताएंगे तभी तो कंडीशन डलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपल लिख रखा है कि भाई 4 हम तभी देंगे जो ये कंडीशन होगा।
आपको शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, नहीं पकड़ लीजिए। आपने जो कंडीशन मुझे सामने दिया हुआ है, हमें फोर स्कोर कब देना है जब ये कंडीशन मैच हो, आप ये बोल रहे ना। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि पकड़ लीजिए कि किसी का हाँ मतलब फोर में अगर इसमें ये वो, आप तो मतलब मतलब ऐसे नहीं जाके आप सीधा चाहिए, तो मतलब ग्रेटर देन 44, 42, 40, ये एक मतलब ये मैं जब ये एरो जो देख रहा हूँ ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं आपका समझ रहा हूँ कि अगर 44 हो तो इस, तो एक एक मिनट बताइए कि अगर एक कंडीशन इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, फिर आपको हर किसी ने कुछ राइट राइट राइट, तो फिर आप डिसाइड तो कीजिए कि स्कोर कब क्या स्कोर होना चाहिए आपका, है तो फिर ये मेजरमेंट ही पूरा गलत है। आप ये मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि 47 हुआ, ये इसी मान लीजिए कि अगर उसका 48 है राइट, मेट 3 है, एनएन उसका मान लीजिए कि ये 30% है, और ये मान लीजिए है, और ये मान लीजिए आपका 2 है, तो क्या आप मेनू क्या देंगे इसमें। हाँ मतलब वो मेरे को फिर मतलब इसका क्या आ रहा है वो देखना चाहिए मेरे को। जीरो ही आएगा, आप पहले डिसाइड तो करेंगे तभी तो कंडीशन सिस्टम को जो देंगे सिस्टम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे ना। मुझे भी तो नहीं पता कि क्या आना चाहिए, आपको मैनुअल बताइए क्या आना चाहिए उसी। नहीं नहीं वो तो स्कोर मैं बोल रहा हूँ कि वो स्कोर यहाँ पे करके आएगा, वही पूछ रहा हूँ। अरे आप शायद आपकी जो प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है वो प्रॉब्लम ही आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको स्कोर देना है, 5 में से कोई एक स्कोर देना है राइट। हाँ तो सर मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए सीसेट में किसी ने ग्रेटर देन इक्वल टू 44% लाया। सुनिए मुझे बात बताइए, अभी ये जो कंडीशन है राइट, आप सिस्टम को भूल जाइए, आप कंप्यूटर पे नहीं है, आपको मिल गया है पेन पेन से, आप मुझे आप बताइए कि आप यहाँ इस पे नंबर क्या देंगे किस में। अब इस ये जो कंडीशन आपने दिख रहा है ना आपको, इस आप क्या नंबर देंगे आप, वो मेरे को भी पता नहीं है, वो तो सिस्टम ऑटोमेटिक लेगा ना। तो सिस्टम को आप बताएंगे क्या लेना है तभी लेगा ना, पैरामीटर्स दीजिएगा उसके बाद में लेगा। अगर किसी का रिजल्ट देखना है कि भाई पांचों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 30% हो, या सब्जेक्ट वाइज की भाई मैथमेटिक्स में 20 हो, इसमें ये 40 हो, इसमें 30 हो, इसमें फलाना हो ठिकाना हो, तो पास आना चाहिए या फेल आना चाहिए। तो पैरामीटर्स जो आप दीजिएगा उसी अकॉर्डिंग में यहाँ पे सर फॉर्मूला या कोडिंग या कुछ भी किया जाएगा। जो आपको पैरामीटर नहीं है सर, मैं पैरामीटर हाँ, क्या होगा। हेलो हेलो, मैं हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए सीसेट में किसी का 44% है राइट, हाँ, तो उसको उसने हाँ तो उसको 5 आ गया सीसेट में, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो है और एक पैरामीटर है यहाँ पे वो मेट 2 आ रहा है। सबका सम चाहते हैं क्या। राइट राइट, मतलब ये बताइए ना आप उस समय से, यही तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो सीधे बोल दिए कि भाई इसमें से कोई एक आना चाहिए, एनी वन। आप चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है तो सी सेट में उसका 5 आ गया राइट, उसके बाद ईएस के अंदर में ईएस 3 है आपका, तो 3 भी 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे आपका एनएन है, तो एनएन जो है 30, तो 30% में आपका 1 है, तो ये आपका 1 आ गया राइट। उसके बाद आप चाहते हैं कि स्लैब ओटी अगर 0 हो, ये आपका 5 तो 5 आ गया। तो ब्लैंक और 0 में कोई अंतर है कि ब्लैंक भी रहेगा, तो ब्लैंक और 0 एक ही समझता है, 5 देना है ना ब्लैंक पे भी। नहीं ब्लैंक में 5 नहीं देना है, ब्लैंक में 0 देना है, क्या देना है इसका अकॉर्डिंग देना है। नहीं नहीं इस मतलब ये ब्लैंक में कुछ आएगा ही नहीं, इसमें 2 ही कंडीशन है, एक है 5 और एक है 1, इसमें बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे एक दिक्कत होगी सर, और इसमें भी कंप्यूटर इसमें भी सर ब्लैंक को, सुनिए कंप्यूटर जो है ब्लैंक को भी 0 समझता है, और इसमें अगर आप 0 लिखते हैं ना तो वो भी 0 समझता है। चलिए उसका कुछ कर लेंगे। चलिए और खाली वो नहीं है सर, आप आपको और एक बात बताऊं, यहाँ पे ऊपर में मैंने एक परसेंटेज भी डाला है जो है 35%, 20%, 19% ऐसे करके डाला हो ना,
तो मतलब पकड़ लीजिए पांच में, मतलब पकड़ लीजिए सीसेट में उसको पांच मिला, तो आइडियली वो 5 × 35% करके कितना जो स्कोर आ रहा है वो आएगा। तो हम कर लेते हैं, चिंता मत कीजिए, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं, पहले स्कोर तो टोटल निकाल लें। उसके बाद अगर जीरो यहाँ पे है तो पांच मिल गया इसको, शिफ्ट ए है 20%, तो ए आपका 20% पे एक आ गया, राइट। अब यहाँ पे सी पे टू है तो वन मिल गया इसको। अब आप बोलते हैं कि इसका सबका परसेंटेज है, जैसे कि इस पे आपका 35% होना चाहिए, राइट राइट में आपका 20% होना चाहिए, राइट ये आपका 10% है ना, एन एन आपको 19% है, 19% होना चाहिए ये आपका 19% है, राइट ये आपका 10% होना चाहिए, ये भी आपका 10% होगा, 10% होना चाहिए ना, ये भी आपका 10% होना चाहिए, ये आपका 6% होना चाहिए, और फिर इनका टोटल आपको चाहिए, ये चाहिए ना सर? हाँ, मतलब अगर जीरो होगा तो ये पांच होगा, मतलब यहाँ पे सी में अगर पकड़ लीजिए कि यहाँ पे जीरो है तो ये पांच समझ गया, वो समझ गया, ब्लैंक पे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने एक एक करके डाला है इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे एक इसलिए डाला है कि आपका ये ग्रेटर देन वन है ना, ये टू दिया हुआ है इसलिए वन है ना सर। ओ अच्छा, हाँ ठीक ठीक है ना, जैसे ये ब्लैंक हो जाता है तो इसमें इसको जीरो मिलेगा, राइट राइट ऐसे कर लिया, हाँ चलिए हो जाएगा सर, इस पे आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, अब तो और आसान हो जाएगा आपका। ऐसी समझाना था ये चीज को समझना, आप बोला कि इसमें से कोई एक चाहिए, मुझे नहीं चाहिए थी, स्कोर को सम करना था और सम करने के बाद एक कैलकुलेशन भी करनी थी, अब समझ गया हूं तो फटाफट हो जाएगा। ओ इसमें सब में हमें इंडिविजुअल कंडीशन लगाने पड़ेंगे, समझ गए राइट ओके। तो सबसे पहले मैं यहां पर देता हूं इफ कंडीशन, इफ इसमें स्लैब इंसेंटिव चलेगा, स्लैब के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है सर। इफ ओके, थोड़ा सा ये हर इंडिविजुअल में हर अलग अलग फॉर्मूला लगेगा सर, ध्यान रखिएगा कि इफ अगर ये लेस देन हेलो नीचे चलना पड़ेगा इसको, लेस देन 39 है, लेस देन 39 अच्छा तो आना चाहिए वन, फिर इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू माफ कीजिएगा, लेस देन है, लेस देन है 40%, सॉरी 39 है वो 39% होगा, तो यहां पे आना चाहिए आपका टू, राइट। तो आप ये मतलब नीचे से क्यों कर रहे हैं सर? ये स्लैब इंसेंटिव नीचे से ही जाता है, हाँ? स्लैब इंसेंटिव नीचे से ही जाता है, अबे वापस इसको सिलेक्ट किया लेस देन क्या स्लैब, इन स्लैब जो होता है ना वो नीचे से ही जाता है, स्लैब अच्छा स्लैब नीचे से जाता है, ओके हाँ। ओके उसके बाद 0. ये आपका 2.50 है तो ये आपका आना चाहिए 3, इफ इसको सेलेक्ट किया हमने एंड इक्वल टू ये होना चाहिए आपका यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे, पहले कैलकुलेशन निकाल दीजिए ना सर, 44 इफ वापस इसको सिलेक्ट किया L12 हमने बोला अगर ए लेस देन ग्रेटर देन
यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ग्रेटर देन 44%, गलती यहाँ होगी, यहाँ पे 5 आना चाहिए। आप भी सर यहाँ पे गलती कर रहे थे, आपको ये नहीं पता कि मैनुअल क्या होगा इसका रिजल्ट, तो मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप। हेलो हेलो, बोले आप यहाँ मैनुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, इसको मैनुअल कैसे करेंगे आप? यहाँ पे नहीं दे सकते कि भाई यहाँ स्लैब दे सकते हैं कि भाई, मैंने बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप यहाँ पे देखते हैं फाइल मैनुअल कैसे, मैंने कैसे मैनुअल कैलकुलेट किया यहाँ पे? हाँ मतलब वैसे कर सकते हैं, राइट, यू आर करेक्ट, वैसे करके मुझे समझा देते तो मैं आपको इतना, हाँ मेरा गलती हो गया, मेरा गलती हो गया, आधा घंटा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि रिजल्ट क्या चाहिए लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए हर ऑटोमेशन का पहला रूल होता है मैनुअल, कि पहले आप उसको मैनुअल कीजिए, फिर उस जो मैनुअल की जो प्रोसीजर है मतलब ये जितना हम ऑटोमेशन में करेंगे। हाँ ये जितना क्लियर होगा मतलब उतना मेरा जितना लॉजिक क्लियर होगा करते करते उतना मैं बोल पाऊंगा, तो वैसे मैं होता। हाँ तो यहाँ पे नहीं, जैसे कि आपको मैंने समझाया ना कि जैसे कुछ भी करने के लिए आपको पहले मैनुअल प्रोसीजर को सीखना होगा कि इस काम को मैनुअल कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग द कंप्यूटर। हाँ हाँ ठीक है, ये ध्यान पे रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। हाँ अब जब मैं क्योंकि आप चलिए अभी मैं आपको मुझे समझा रहे थे, कल के डेट में आप भी तो आप अगर इसको कर लेते और आपको ये पता होता तो आप भी कर लेते, अगर मान लीजिए कि कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा तो आप लाख एक्सेल के ज्ञाता है फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक कि आप प्रोसीजर को नहीं समझेंगे। राइट राइट, अब यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है, अब फॉल्स आ रहा है कि हमने कहीं पे गलती कर दी, यहाँ पे फॉल्स नहीं आना चाहिए, तो यहाँ आप देखिए कहाँ पे गलती किए हैं, इसको समझने के लिए हम जाएंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला एवलेट, इसने चेक किया कि क्या लेस देन 39 है, नहीं फॉल्स, इसने चेक किया कि क्या ए फॉल्स नहीं, यही पे गलती है सेकेंड फर्स्ट में। कैसे यहाँ पे समझ पे आ रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये डायरेक्ट चल गया, दूसरा ये कुछ चलने नहीं दे रहा है, अंदर अंडरलाइन लग गया ना, हाँ हाँ तो ये दूसरे ये को नहीं चलने दे रहा है, जैसे आप अगर ये इसको करें देखिए रिजल्ट आ गया, अब मान लीजिए इसको रीस्टार्ट करता हूँ तो देखिए पहला इफ पहला चला, पहले इफ चला फर्स्ट, हाँ इफ चल रहा है ना सर, अंडरलाइन हो रहा है ना, चल रहा है मतलब कि वो चल रहा है, यहाँ पे आया और इसने बोला हाँ कि 0.44 लेस देन 44%, यहीं पे हो गया फॉल्स और इसको आगे चल। ओ अच्छा यहाँ पे फोर देना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम यहाँ पे फोर देना पड़ेगा, इफ एल एल टू लेस देन 44% कॉमा फोर होगा ना वहाँ पे, हाँ यही यहाँ पे यही चीज छूट गया है सर, हाँ इससे पता चल गया ना सर। लेस देन इक्वल टू 54, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा, आप इक्वल टू नहीं किया है, अब आ गया रिजल्ट आपका, ठीक है। अब इसमें आप चाहते हैं कि इसका 35% हो, इसका 35% हम निकाल लेते हैं, आ गया 1.75, अब भी डालूंगा जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 95% डाल दिया, या फिर मान लीजिए मैं 74% डाल दिया, या 14% डाल दिया, या 35% डाल दिया, या 42% डाल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेगा। राइट राइट राइट, यही मैं बोल रहा था। अब यहाँ पे आता है मैच थ्री, अब यहाँ पे है कि भाई यहाँ पे हम देना है इक्वल कि इफ अगर ए इक्वल टू मेट स्पेस देना है सर, अब इसी तरह से आगे सारी चीजों को करना है, देख लीजिए सर ध्यान से आप, ना स्पेस दे स्पेस तो देना है, हाँ मेट थ्री हुआ तो ये फाइव, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मैच का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको इसको रखना पड़ेगा मैच, हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने
ओ आपने वो सीधा कंडीशन दे रखा, उल्टा कंडीशन होता तो मैच काम कर जाता। चलिए मैच फॉर्मूला दे दिया, अब इसमें कर्ली ब्रैकेट में और सिंपल कर देता हूँ उसको, इसलिए मैं लगाया। ठीक है ये कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, मैं मेरे को पहले सीधा इफ से सिखाइए, मैच में बाद में सीख नहीं, लूंगा। ये मैच सिंपल पड़ेगा इसलिए देखिए तो सही। एक बार मैच 1 इसको सिक्वेंसली लिख देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। नहीं, क्योंकि मैच 1 से मैच 1 में 3 चाहिए आपको, मैच 0 यहाँ पे मैच 0 होना चाहिए, इसमें देना नहीं है राइट, तो ब्लैंक कर दीजिए, इसमें देना है मैट 1। अब वो क्या कर रहे हो, मैट 0 उसको वहां यहाँ पे। ना मैट 1 पे वन पोजीशन दे रहा हूँ ना, यहाँ से सिक्वेंसली लिख रहा हूँ कि मैट 1 चाहिए, मैट 0 हो तो 1 आना चाहिए, तो ये 1 पहले पोजीशन में दिया तो 1 दे देगा, ठीक है ना। नहीं ये मैं आपको भी समझा समझे, ये देता हूँ, सेकंड ब्रैकेट। मैं अभी आपको समझा देता हूँ, जाइए 2 मिनट मुझे लगाने दीजिए, भी समझा देता हूँ मैं। हाँ मैट 3 होना चाहिए मैट 1 पे, और फिर आना चाहिए मैट 2 मैट 3। देखिए क्या है, इस चीज को समझिए कि आपके पास एक इसको मैं, इसमें क्या है कि इसमें अगर मैं ये नहीं लगाता तो मुझे इसको इतना लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ता, दिख रहा है ना सर आपको, कई सारे फॉर्मूले, इससे क्या होता आपका सिस्टम स्लो हो जाता। तो हमने यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया, मैच का फॉर्मूला क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैट 1 1 2 3, इस तरह से मैं 5 तक लिख देता हूँ राइट, 5 तक लिख दिया ना। और इसके तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे मैच करूंगा, मान लीजिए कि मैच मैं करना चाह रहा हूँ, मैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट 3 को, तो यहाँ पे मैच जो है देखिएगा कि मैच इसमें इसको सिलेक्ट कर लिया और हमने कॉमा 0 कर दिया, 0 में एग्जैक्ट मैच होता है, तो ये क्या दिखाएगा कि मैट 3 का पोजीशन क्या है, तो यहाँ से काउंट करेगा कि 1 2 3 हाँ भी आ गया। ऐसे मैं यहाँ पे mod 5 कर दूं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, ऐड दे दिया। नहीं, ये जहां पे 5 दिया है वहां पे डालिए एक बार। अच्छा मैच P7 ये कॉमा, अच्छा ये करके कॉमा इसको इसमें जीरो ढूंढ, सिंपल सी बात है ना, मैच क्या करता है किसी वैल्यू को किसी रेंज में ढूंढता है, और ढूंढने के बाद अगर मिलता है उसको तो जितने नंबर रो या जितने नंबर कॉलम में मिलता है उसका काउंट बताता है कि कितने नंबर रो पे मिला है। अच्छा कॉमा 0 क्यों कर रहे हैं? जीरो में तो एग्जैक्ट मैच करना है। अच्छा आप एक बार उसको एंटर कर दीजिए। अच्छा 5 क्यों आ रहा है यहाँ पे? अच्छा पांच का अच्छा नंबर मेट होता फाइव है, यहाँ पे है इसलिए। ओके अगर नहीं मीट रहेगा फाइव इसको है, ये मीट मेट फाइव सिक्स नहीं, कीजिए। मीट फाइव है और उसका काउंट 5वें पे है, ओ अच्छा, और मैं यहाँ अगर मीट ये फाइव सिक्स का यहाँ दे लिख दे दूँ तो तो। फिर मीट फाइव यहाँ लिख दूँ तो फिर तीसरा आएगा यहाँ पे, ओ अच्छा, ठीक है ना, यहाँ पे अगर मेट सिक्स करेंगे तो कुछ नहीं इधर। आया। ओके मीट सिक्स है नहीं यहाँ पे, आप नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पे हाँ तो राइट राइट एरर हाँ। आएगा आपको, मतलब ओ अच्छा, कि मिला नहीं समझ उसको, पाया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉब्लम है कि ये तो कंटिन्यूअस है ना, हाँ तो मेरा कंटिन्यूअस है कि मैट 0 1 2 में कुछ मैट नहीं मैच करना है, 2 ब्लैंक होगा, 2 मैंने किसी को देना ही नहीं है, ओके 1 3 पे 1 देना है, 4 पे 2 देना है और 3 पे 5 देना है। तो हमने यहाँ राइट 0 दिया पहले पोजीशन पे, दूसरा पोजीशन कोई होल्ड करता नहीं, दूसरा पोजीशन हमने ब्लैंक छोड़ दिया, राइट समझ पे आया। तो तीसरा पोजीशन पे वहां कौन है। पे, यहाँ पे एक चीज मेरे को समझना है सुजीत जी, ये जो आप एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहे हो ना, एक्सेल में मैंने देखा है यहाँ पे लोग एक्सक्लेमेशन मार्क देता है, इसका
देखिए, जब आप फॉर्मूले के अंदर में किसी तरह का टेक्स्ट एंट्री करते हैं ना, हाँ वो उसको कोटेशन मार्क पे देना पड़ता है। कोटेशन मार्क पे नहीं देगा तो वो सिस्टम उस नाम का एड्रेस या उस नाम का फॉर्मूला ढूंढता है। अच्छा आउट कोटेशन मार्क में खाए तो एड्रेस ए वन बी वन सी वन या फिर कोई फॉर्मूला जैसे कि मैच ही डलाएगा। अच्छा उसके अलावा जितने भी टेक्स्ट है वो सारे इन्वर्टेड कॉमा में डलेंगे। ये रूल है, ये एक्सेल का भी रूल है, वीवीए का भी रूल है, गूगल शीट का भी रूल है। अच्छा ओके। अभी ये तो हो गया, मतलब मैच L3 वो मैंने थर्ड ब्रैकेट में मैच 0 करके उसको डाल दिया। अच्छा ठीक है, मेट 1 और हमने इसको इस तरह मेट से कर्ली ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि मैच एरे प्लेटफॉर्म में हम इसको एज ए टेबल लाना चाहते हैं, इसलिए। मतलब ऊपर में जो आपने दिखाया और नीचे आप जो कर रहे हो, ये दोनों एक ही है ना? एक ही है, लेकिन क्या है कि इसके लिए आपको 5 रो की जरूरत थी, बट इसमें हमने फॉर्मूला में कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, तो बैकएंड में फॉर्मूला को रो में ही डालेगा। इसको एरे बोलते हैं, तो रो ही नहीं सम नहीं कैलकुलेशन में। समझ में नहीं आया, जैसे कि नहीं अभी समझा नहीं। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए हमें अपने रिजल्ट को 5 सीट अलग अलग सेल पे लिखना पड़ा था ना, मतलब कि टेबल पे लिखना पड़ा था। तो राइट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हैं तो टेबल ही मान लेता है एक तरह से। ये जब आगे सीखेंगे ना सर, इसलिए मैं ये आपसे करने से कतरा रहा था, क्योंकि आपको आधी चीज आती नहीं है सर, ये बहुत ही एडवांस। राइट 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 सही बात। तो इसलिए मैं करने से कतरा रहा था, क्योंकि आपको आधी से ज्यादा चीज समझ में नहीं आएगी। अब मुझे आपको एरे समझाना होगा, तब जाके समझेंगे। एरे आपका फॉर्मूला के बाद आता है, मतलब कि तकरीबन 22वीं 23वीं क्लास में एरे आएगा। समझ ओ अच्छा, गया ठीक ना? है जो भी हो। हाँ यहाँ पे आप कर रहे हैं 5। अच्छा एक सेकंड, एक बार ऊपर जाइए। अच्छा मेट 3, यहाँ पे आपका मैट 0 तो समझ आप में आ गया। मैट 3 हुआ तो अच्छा इसने काउंट कर लिया, 1 2 1 2 3 4 5, 5वें पोजीशन पे दे दिया, जैसे यहाँ पे काउंट किया था उसने। और ठीक यहाँ है, पे अगर मेट 3 में, हाँ मेट 3 में, ये तो मेट 3 रहेगा। मैट 2 अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि मैट 2 4वें पोजीशन पे है, 1 2 3 एंड 4। ओ अच्छा, ठीक है ना? समझ पे आ रहा है, इसका, समझ पे आ हाँ, अब रहा इसका मुझे है। निकालना है 20%, तो 20% यहाँ पे निकाल देते हैं इसका। ठीक है, और बाकी आपका आता है ए, ए आता है। इसके लिए जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला लगाया है ना, सेम फॉर्मूला आपको यहाँ नीचे लगाना पड़ेगा, जैसे आपने ये लगाया नीचे से ऊपर की तरफ। लगा लेंगे या लगा दूँ? नहीं, मैं कोशिश करूंगा ठीक इसको, है, आप मत कीजिए। ठीक है। यहाँ उसके पे एक बाद आप देख लेता हूँ। जैसे ऊपर लगा हुआ है, जैसे आप ऊपर हाँ स्टार्ट किया था ना, ऐसे आप यहाँ 65 से स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नंबर आएगा कुछ ना कुछ तो देना ही है ना सर। नहीं, ये तो समझ पे आ गया, ये मैं खुद कर लूंगा। हाँ, तो इसको 30 वही ये वही ये आपको जो है ना, मैं करूंगा, इस वो मेरा, कंडीशन को ये और मेरा इस कंडीशन को होमवर्क। आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये मेरा होमवर्क है। हाँ अभी आप आता है स्वैट ओटी। अब स्वैट ओटी में अब एक चैलेंज क्या है कि 0 भी यहाँ पर आता है, 0 पे 5 देना है। अच्छा तो यहाँ पे मुझे कंडीशन देना है, अगर मैंने दे दिया कि भाई दैट इज इक्वल टू 0, तो ब्लैंक को भी ट्रू करेगा और 0 को भी ट्रू करेगा। नहीं नहीं समझा, समझे? नहीं देखिए, जो ब्लैंक से रहेगा, कुछ भी ना लिखा हो फिर भी सिस्टम इसको 0 मानता है। अगर आपने 0 लिखा राइट। तो सिस्टम मानता है। जैसे कि अगर आप दो के भाई दिस सेल इक्वल टू दिस सेल, रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। समझ गए? ओ अच्छा, मतलब ब्लैंक लिखेंगे या 0 लिखेंगे वो ट्रू ही देगा, ये ही बोल रहे यहां पे क्योंकि आपके सिस्टम में ब्लैंक मतलब कुछ नहीं देना है, हो? राइट राइट तो यहां पे एक एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। जैसे कि इक्वल टू हमने 0 दिया, तो क्या ये परफॉर्म करेगा? नहीं ले रहा है। नहीं, 1 मिनट, लेगा लेगा ये, इसमें यहाँ पे 0 करना है, फॉल्स आया। अब यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ले लेगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्ट मैच। तो वो 0 को 0 मानता है, ब्लैंक को ब्लैंक मानता है।
बोला कि L15 अब दो सेल बराबर होता है कि भाई ये दो टेक्स्ट को बराबर करता है भाई, पहला क्या है तो मैंने बोला L15 और दूसरा क्या है तो 0, समझ गए। अब यहां पे इसको कंडीशन डालेंगे कि इफ अगर ए ट्रू हुआ तो देना है 5, कंडीशन देना है कि इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ तो देना है 1, अदरवाइज अदरवाइज देना है 0। तो अभी 0 आया, जैसे 0 देखे 5 आएगा और 5 नंबर को डाल देते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा मतलब एक होगा 0 और नहीं तो होगा 1, इसके हिसाब से यहाँ पे मैंने डाला। अच्छा एक सेकंड, 0 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, राइट राइट हाँ, तो वहां पे देना है 0 पे देना है 5, ब्लैंक में देना है नथिंग मतलब 0, और एक से बड़ा नंबर, एक एक से बड़ा नंबर होगा तो देना है 1। हाँ तो ये हमने यहाँ पे चीज कर दिया, ये एग्जैक्ट से होता है, एग्जैक्ट से 0 आइडेंटिफाई कर लेगा और ये बाकी दो इफ ग्रेटर देन 1 पता ही आपको। इसका मैं निकाल देता हूं 10%, और फिर आपका शिफ्ट तो इस आप कर ही लेंगे, वो जस्ट ए आपका सी सेट की तरह ही होगा, परसेंटेज है और आपका। अब एक बार यहाँ पे 0 डालिए, यहाँ पे एक बार 0 डालिएगा, ठीक है सर। सर एक सेकंड रुकिए, चार्ज नहीं है फोन लैपटॉप में। हाँ ये समझ पे आ गया, और यहां पे और बाकी ये जो है आपका वही इसी के अकॉर्डिंग होगा तो आप कर लीजिएगा, और सी भी आपका इसके अकॉर्डिंग होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो समझ पे आ गया, और इसका मेरे को मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो यहाँ पे कर्सर को चेंज कर रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ ये जो 2.35 आया ना, हेलो हेलो आपका फिर से वॉइस ब्रेक कर, एक सेकंड, आपका यहाँ पे जो 2.35 आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ ये बगल में जो सेल है यहाँ पे, मतलब मैं जो एरो दिखा रहा हूँ बगल में, हाँ राइट राइट, तो इसको हम मार्च करके, हाँ सम लगा दीजिए, तो ऐसे कोई एक बड़ी बड़ी डील थोड़ी है, हो गया। अच्छा सम करके इसको मैंने कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ओके। वो बाकी को इसको पूरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो वो मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है सर। हाँ ठीक है, और आप क्या बोल रहे थे सुबह एक क्लास होता है मतलब 6 बजे से? हाँ 6 बजे, 6 बजे का ही बैच है हमारे पास, वो 7 बजे से कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं ऑफिस से कोशिश करूंगा मैं 7 बजे तक आ जाने के लिए, अगर मैं 7 बजे तक आ जाता हूँ तो 7 से 8 में एक क्लास कर सकता हूँ, तो डर मुश्किल है सर, 7 से मैं 7.5 घंटा डेली दे सकता हूँ, 7 से 7.5 आधा घंटा डेली दे सकता हूँ सर, क्योंकि 7 बजे मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होता है। ओह अच्छा अच्छा तो मतलब 7.5 आधा घंटा काफी है सर, आज ना आपको आधे घंटे में नहीं, लेकिन अगर अगर एक क्लास होती तो आज कम से कम नहीं तो 50 टॉपिक आप कर लेते, 50 से 60 टॉपिक को समझने में टाइम लगेगा ना सर। वो स्टार्ट कीजिए आप हाफ एन आवर में स्टार्ट कीजिए, फिर आगे जब आपका मेरा बेटे का स्कूल का टाइम अगर चेंज हो जाता है मार्च में तो आपका हम बढ़ा देंगे घंटा कर देंगे, लेकिन आधा घंटा काफी। अगर नहीं मैं बोल रहा हूँ इसको 6.5 से 7.5 कर सकते हैं, 7 से 6 से 7 होगा अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और लेगा ना सर, 6 से 7 हाँ
और आप बोल रहे हैं एक तीन से चार भी है राइट, तीन से चार आफ्टरनून में खाली हुआ है, और आप बोल रहे हैं एक छह से सात भी है सुबह। ठीक है, मैं आप ये मेरे को एक बार भेज दीजिए। ठीक है, मैंने भेज दिया भाई। ठीक है, मैं फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर।